Hello students, welcome in your science class. I am Jyoti Sen and today we will discuss the chapter 1 from your textbook, and that is nutrition in plants. Plants mein nutrition kaise hota hai, kya kya processes hoti hain, ye sari cheeze hum is chapter mein discuss karenge. So let's start with nutrients. What are nutrients? As you all know that all living organisms need food for their survival, right? And food ke level kya hoti hai? We get the food nutrients. Okay, nutrients hame milte hain food se, so that we get energy, we boost our immunity, and we do any work with that energy what we get from food. Okay, so nutrients are the components of food like carbohydrates, fats, vitamins, minerals. Carbohydrates, vitamins, minerals, fats. So these are the components of food, as we have discussed in previous classes, that these are the components of food, and these components of food are called the nutrients. Aur yahi nutrients hai jisse hame energy milti hai, and we do any kind of work. Okay, let's discuss about the food. How do we get the food? Okay, we get the food from the plants or other animals. It means that we are dependent on plants directly or indirectly. अगर हम प्लांट्स को छोड़ के बाकी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके, सो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. ओके, नाउ वी गेट आर फूड फ्रॉम द प्लांट्स, राइट? बट वॉट अबाउट द प्लांट्स, उन्हें कहाँ से मिलता है? ऐसा तो नहीं है कि प्लांट्स किसी से मतलब एनिमल्स को खाते हो. चलिए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. देर आर टू कैरेक्टर्स इन योर टेक्स्ट बुक, पहेली एंड रुचि. यू नो व्हाट, दे आर वेरी मच क्यूरियस एंड दे आस्क सो मेनी क्वेश्चन. ओके, वो हमारे साथ ही चलेंगे. दे आर वेरी मच क्यूरियस, सो उनकी क्यूरियोसिटी जो लर्निंग प्रोसेस है उनमें बहुत हेल्प करने वाली है. बिकॉज क्यूरियोसिटी इज द बेस्ट थिंग इन एनी लर्निंग प्रोसेस. आप जितना ज़्यादा क्यूरियस होगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप सीखोगे. सो दे विल हेल्प टू लर्न सो मेनी थिंग्स, दे विल आस्क सो मेनी क्वेश्चन. ओके, सो विल डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चन विथ यू. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is mode of nutrition. Mode of nutrition in plants. सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में. How do they get food? So plants make their own food. They are not dependent on any other organism. Plants अपना food खुद बनाते हैं. कौन सी process होती है? That process of making food in plants is called photosynthesis, जिसके बारे में हम आगे detail में discuss करने वाले हैं. So let's discuss about the mode of nutrition in plants first. Okay? First of all, we have to discuss about the nutrition. What is nutrition? So nutrition is the mode of taking food and the utilization in any living organism. Okay? उनकी बॉडी में हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में फूड लेना और उनका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ओके, देर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. First one is autotrophic and heterotrophic.
shopping. These are the two modes of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Auto means self and hetero means other. Means the organisms that make, they make, the organisms which make their own food are called autotrophs. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. और आप समझ सकते हैं ऑटोट्रॉप्स कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं? यस, दे आर प्लांट्स. सेल्फ नरिशमेंट जिनमें होता है वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एज दे मेक देयर ओन फूड. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द हेटरोट्रॉप्स? अगर हम प्लांट्स की बात ना करके बाकी ऑल ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं सो दे ऑल आर हेटरोट्रॉप्स. मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट प्लांट्स आर हेटरोट्रॉप्स क्योंकि वो अपने नरिशमेंट के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं. सो दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन ऑल्सो. वी ह्यूमन बींग्स आर heterotroph. Okay, clear? All right. Now, there is a question. अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने, आप बोलोगे कि मैम हमारी जो मम्मा है वो तो खाना पूरी बनाती है, so she is an autotroph. Is this right? No, actually not. She is not the autotroph. Why? Because वो ingredients का use करती है, right? वो ingredients लेती है हमारे surrounding से, वो खरीदते हैं. जैसे अगर हम बना रहे होते हैं potato की सब्जी तो potato is the ingredient जो हमें मिल जाता है, हम उसको खरीद के लाते हैं. आपकी मम्मा उसको synthesize नहीं करती है, right? अब plants जो होते हैं वो हमारे उनके surroundings में जो materials होते हैं, ingredients होते हैं, like कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, दे सिंथेसाइज देम एंड देन दे मेक देयर ओन फूड. बट दिस इज नॉट विद द ह्यूमन बींग्स. ओके, सो दे आर हेटरोट्रॉप्स. अगर आपकी मम्मा के पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो वो बना नहीं पाएंगी. मीन्स मम्मा फूड कुक करती है. कुकिंग और मेकिंग में डिफरेंस होता है. कुकिंग मतलब सिर्फ उनको रॉ मटेरियल है उनको मिला के वो पका रही है. एंड वॉट अबाउट द मेकिंग? मेकिंग मीन्स उन रॉ मटेरियल्स को बनाना. ओके, सो मम्मा कुक्स फूड, नॉट मेक्स फूड. ओके, क्लियर? ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच आर ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एज प्लांट्स. एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स एज वी ह्यूमन बींग. ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स एज बुजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड. बुजो को तो किससे वो खुश नहीं है कि हमने उसको बता दिया कि हाँ प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं. ही वॉन्ट्स टू नो कि कैसे बनाते हैं, वॉट इज द प्रोसेस. सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट इज फोटोसिंथेसिस. ओके, अब एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन पूछा है हमारी बहेली ने. शी वॉन्ट्स टू नो वाई आर बॉडी के नॉट मेक फूड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स एज वी ऑल आर हैविंग दैट इन आर सराउंडिंग्स, राइट? हमारे सराउंडिंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वाटर भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं. सो हम उनको क्यों नहीं सिंथेसाइज करें? दिस इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स विच ट्रैप्स द सनलाइट और वो फूड को सिंथेसाइज होने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. क्लियर? ऑल राइट, सो कैन यू टेल मी अबाउट द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट?
या आप ये बता सकते हैं कि पूरे प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती रहती है या फिर किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में होती है? यस, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, बहुत क्लासेस में आपने पढ़ा होगा दैट लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट एज दे आर हैविंग क्लोरोफिल, और वो उस क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट को ट्रैप करती है एंड इट हेल्प्स इन द सिंथेसाइजेशन, सिंथेसाइज करने में वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को फूड। ओके, सो द क्लोरोफिल इज पिगमेंट, इट हेल्प्स द प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेट्स डिस्कस अबाउट इट, but not in this video. We will discuss the photosynthesis in the next video. Till then, stay tuned. Please like, share and subscribe our channel. Bye-bye.